अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम केपीकेएस मैथ्स के एक्सरसाइज 1.4 का एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर एक में चार जुज है, इसमें दो में करूँगा और बाकी दो आप पर छोड़ता हूँ, वो आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन है, इफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 10, यानी यूनिवर्सल सेट है, देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड ड्रा दियर वेन डायग्राम। फिर हम इसको हल करेंगे, फिर इसके बाद उसका वेन डायग्राम भी ड्रा करेंगे। तो आइए इसको अब हल करते हैं। तो हमारे पास जूज नंबर वन में है ए एक सेट है 2, 3, 4 और बी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम हल करेंगे, पहले इसको हम ए यूनियन बी हल करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी हल करते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास बराबर है, फिर ए का सेट लेके, ए का सेट है 2, 3, 4, फिर यूनियन लेके, ये ऑपरेशन है, इसको यू ही लिखेंगे, इसके बाद इक्वल साइन नहीं लिखेंगे। बस स्टूडेंट इसमें यह गलती करते हैं कि इसके बाद यूनियन के बाद इक्वल साइन लिखते हैं, जो गलत है। इसके बाद बी का सेट लिखेंगे और वो है 1, 2, 3, 4, 5। चूँकि हम पिछली वीडियो में भी डिटेल में पढ़े हैं यूनियन के बारे में, कि यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम एक बार लिखेंगे, यानी टेक ऑल एलिमेंट बट रिपीटेड एलिमेंट टेक ओनली वन टाइम। क्योंकि अगर हम इसको दो बार लिखेंगे तो फिर वो सेट नहीं बनता। तो ए यूनियन बी हमारे पास बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, सारे एलिमेंट लेंगे यूनियन में। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी है। अब क्या है, इसका वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो नो बाय वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और रेक्टेंगल के किसी भी कोने में आप एक यू पुट करेंगे। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अभी दूसरा स्टेप यह है कि जो सेट है जिसका हम यूनियन फाइंड करते हैं, उसका हम टाइप्स देखेंगे कि ये हमारे पास डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है या ये हमारे पास सबसेट है। तो अगर आप देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो ये ए क्या है, बी का सबसेट है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जब सबसेट हो दो सेट, उसका डायग्राम किस तरह बनता है। तो सबसेट का दो तरह के डायग्राम बनते हैं, या तो आप इसको इस तरह लिखें कि ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये बी सेट है और ये ए सेट है। तो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, वो है 2, 3, 4, और ए में क्या है 1, 5। बी सेट में चूंकि ए सबसेट है बी सेट का, तो ये जो बड़ा सेट है वो बी होगा और छोटा ए सेट होगा। इसके बाद यूनिवर्सल सेट में तो बाकी भी एलिमेंट है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये आप जहाँ भी लिखो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम है। अभी हमारे पास क्या है, एन एन बी है। तो एन एन बी में 1, 2, 3, 4, 5 आया है, यानी सिर्फ ये आया है। तो जो आंसर है उसको आप क्या करें, शेडेड करें। तो ये आपका क्या है, आंसर है, इधर बस लिखो द शेडेड रीजन शो ए यूनियन बी, और इधर भी आप लिख सकते हैं इधर ए यूनियन बी। तो अगर आप इसमें मतलब है कि ये सबसेट है, तो सबसेट में मतलब है कि सारे को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आपको फिर इस तरह नहीं आता, तो आप आंसर को देखें, आंसर में जितने एलिमेंट है आप उनको शेडेड करें। और इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इस तरह कर लें, ये भी एक तरीका है उसका, कि आप इधर यूनियन लेके ये ए और ये बी, और इधर है 2, 3, 4, 1, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इधर लेके, तो ये भी तरीका है, और इधर लेके ए यूनियन बी, ये भी सबसेट का तरीका है, ये भी सबसेट का तरीका है। तो दूसरा ये है कि इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, नो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बराबर है, ए जो सेट है वो क्या है, टू है, थ्री फोर। इंटरसेक्शन बी हमारे पास है वन टू थ्री फोर फाइव। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, इंटरसेक्शन के मतलब है कि टेक ओनली कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, टू थ्री फोर है, तो बस टू थ्री फोर लेके। और मैंने ये भी कहा है कि डायग्राम सारों के लिए एक जैसे बनेगा, सिर्फ शेडेड में चेंज होगा, सिर्फ जो शेडेड रीजन है उसमें डिफरेंस होगा। तो अब हम इसको वेन डायग्राम पे हल करते हैं, नो बाय वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल ड्रा करें, फिर ए सेट लेके, फिर बी सेट लेके, और इधर यू लेके। तो इनवर्स सेट में क्या है, ए सेट में क्या है, टू है, थ्री है, फोर, वन फाइव, वन फाइव, और सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्योंकि रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिवर्सल सेट में फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन भी है। अभी इस तरह है कि अगर आप कंफ्यूज है तो आप आंसर को देखें, आंसर में क्या है, टू थ्री फोर है, तो बस सिर्फ टू थ्री फोर को क्या करो, शेडेड करो। और ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है, और ये हमारे पास ए बी में कॉमन रीजन है, और इधर ले को ए इंटरसेक्शन बी, और इधर ले को द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन शो ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। वेन डायग्राम में तो आसान है कि बस आप रेक्टेंगल ड्रा करें, सेट के टाइप देके, और जो ऑपरेशन है उसके बिना पे रीजन को शेडेड करें। अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन नंबर वन में चूज नंबर टू या चूज नंबर फोर अगर मैं हल करूं तो ये अच्छा होगा। तो चल मैं चूज नंबर फोर हल करता हूं, और टू और थ्री आप पे छोड़ता हूं। तो वो है हमारे पास एक चूज नंबर फोर, ये हमारे पास है वन फाइव सिक्स, बी हमारे पास है टू फोर सेवन, ए हमारे पास है वन फाइव सिक्स एंड बी हमारे पास एक सेट है टू फोर सेवन। ए यूनियन बी फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, और फिर हर का हर एक आंसर का ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन का आप वेन डायग्राम पे भी उसको ड्रा करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, मालूम करेंगे, फिर इसके बाद वेन डायग्राम पे उसको ड्रा करेंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए हमारे पास है वन फाइव सिक्स, यूनियन बी है टू फोर सेवन। तो ए यूनियन बी बराबर होगा, क्योंकि यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेते हैं, तो वन भी लेंगे और टू भी लेंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हम सारे एलिमेंट लेंगे, वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इसको वेन डायग्राम पे हल करते हैं, नो बाई बी की मन है वेन, डी की मन है डायग्राम। तो सबसे पहले आप क्या करें, रेक्टेंगल ड्रा करें, और यह रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और किसी कोने में आप यू लेके। अभी दूसरा ये कि आप सेट के टाइप्स देखें कि ये कौन से टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट के बारे में हमने पढ़ा है कि उसका क्या होगा, अलहदा अलहदा बनेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ए है, ये सेट बी है, ए सेट है वन फाइव सिक्स टू फोर सेवन। तो यूनियन है, यूनियन में सारे एलिमेंट लेंगे, तो अगर आप आंसर को देखें वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन है, तो वन फाइव सिक्स
247 ये सारे इसमें हैं। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यूनियन में शेड्यूल करेंगे, और बाकी जो बचा 3, 8, 9, 10 उसको इधर लेके, और इधर नीचे लेके ए यूनियन बी, और लेके साथ में द शेडेड रीजन, द शेडेड एरिया, एक ही बात है, द शेडेड एरिया शो ए यूनियन बी। अभी इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन नो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए हमारे पास है 1, 5, 6 इंटरसेक्शन 2, 4, 7, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी। अब इसको हम वेन डायग्राम पे करते हैं, नो बाय वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल ड्रा कर, ये वेन डायग्राम है, मैंने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल से पढ़ा है, और इधर यू लिखें, क्योंकि डायग्राम सारे के लिए एक ही बनेगा, यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, डिफरेंस के लिए, फर्क सिर्फ शेडेड में होगा। तो डायग्राम तो इस तरह बनेगा, ये ए है, ये बी है, और ए हमारे पास है 1, 5, 6, 2, 4, 7, और बाकी जो बचा वो 3 बचा, 8, 9, 10। तो आप अगर देखें तो एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, तो किसी को भी हम शेडेड नहीं करेंगे। तो दिस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में, 2-4 जूज है, 2 मैं करूँगा और बाकी 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, A difference B and B difference A, B difference B and the following, and the following question. Also the dear Venn diagram. हमारे पास क्वेश्चन है कि एफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन आल्सो ड्रा देयर वेन डायग्राम। हमारे पास एक क्वेश्चन है जूज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में जूज नंबर 1, वो इस तरह है कि ए बी, बी इज इक्वल टू ए बी सी, एक क्वेश्चन है। तो इसके हम पहले ए कम्प्लीमेंट पॉइंट करेंगे, बी बी कम्प्लीमेंट, फिर ए डिफरेंस बी एंड फिर बी डिफरेंस ए, और फिर इन सारों का हम वेन डायग्राम पे भी उसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह है कि ए कम्प्लीमेंट अगर हम पॉइंट करते हैं, तो हमारे पास हम जानते हैं ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस ए, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ जिस सेट का आप डिफरेंस पॉइंट करें तो उसको हम कहते हैं उस सेट का कम्प्लीमेंट।
तो अब इधर हमने इनवर्स सेट के साथ डिफरेंस निकाला है ए का, तो अब हम इसको कहेंगे ए कम्प्लीमेंट, और ये बराबर है यू हमारे पास बराबर है ए बी सी डी ई एफ डिफरेंस ए हमारे पास बराबर है ए बी। तो ए यू ऐसे किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है, तो वो सी डी ई एफ है, तो इसको हम कहते हैं यू ऐसे किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, वो सी डी ई एफ है, सी डी ई एफ है, और इसको हम कहते हैं यू डिफरेंस ए को हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। अभी अगर इसको हम वेन डायग्राम पे ड्रा करते हैं तो इसको हम इस तरह करेंगे नो बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जो यूनिवर्स सेट को रिप्रेजेंट करता है, और फिर आप इधर लिखेंगे ए सेट, और ए सेट चूँकि सबसेट है यूनिवर्स सेट का, और ए हमारे पास है ए बी और सी डी ई एफ ये है। तो सबसे आसान जो है वो कम्प्लीमेंट आसान है वेन डायग्राम में, क्योंकि बस सिर्फ इस सेट के अलावा बाकी को क्या करें आप, ये आंसर है सी डी ई एफ, इसको आप क्या करें शेडेड करें, और इधर लेके ए कम्प्लीमेंट, और इधर लेके द शेडेड रीजन, द शेडेड एरिया, द शेडेड एरिया शो ए कम्प्लीमेंट। तो ये तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट था, अभी है बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट इस तरह हल करेंगे, वी नो डेट या वी नो डेट बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस बी, और आप जानते हैं कि यू क्या है हमारे पास, वो है ए बी सी डी ई एफ डिफरेंस बी क्या है, बी हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी। तो यू बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, तो वो है डी ई एफ, तो आप इधर लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है डी ई एफ, ये हमारे पास आंसर है, बस इसको शेडेड करें वेन डायग्राम में तो आपका आंसर आएगा। तो अब वेन डायग्राम पे हम इस तरह लिखेंगे नो बाय वेन डायग्राम, तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल ड्रा करें, और फिर बी सेट है तो बी सेट सबसेट है यूनिवर्स सेट का, तो आप उसके अंदर लिखेंगे और इधर लिखेंगे बी, और बी हमारे पास है ए बी सी, बाकी बचा डी ई एफ, तो ये हमारे पास आंसर है। तो सिर्फ बी के अलावा जो रीजन है यूनिवर्स सेट का आप उनको शेड करें, तो ये आपका क्या है आंसर है। और इधर लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट, और इधर लिखे द शेडेड एरिया या द शेडेड रीजन, द शेडेड एरिया शो बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट था। अब है डिफरेंस, अब हम डिफरेंस निकालते हैं कि हम ए डिफरेंस बी किस तरह निकालेंगे और बी डिफरेंस ए। तो इनवर्स सेट कम्प्लीमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप सेट सॉरी वेन डायग्राम के लिए ज़रूरी है कि आप सेट के टाइप्स देखें कि कौन से टाइप्स हैं, क्या हमारे पास डिसजॉइंट है या वो रिपिंग है या सबसेट है। तो ए डिफरेंस बी है, अब हम ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए हमारे पास है सॉरी हमारे पास ए सेट है, ए हमारे पास है ए बी, और बी हम डिफरेंस बी हमारे पास है ए बी सी। तो ए बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, किसी भी एलिमेंट से डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो हम इसको करेंगे कि एम्प्टी सेट। अब अगर इसको हम वेन डायग्राम पे पॉइंट करते हैं तो नो बाय वेन डायग्राम, तो सिंपल बात है कि रेक्टेंगल ड्रा करें और इधर यू लिखें, और अब आप ये देखें ए बी क्या है, ए बी हमारे पास है ए बी हमारे पास है सबसेट, तो सबसेट का तो इस तरह भी बनता है डायग्राम, और दूसरा भी बन सकता है।
इस तरह करते हैं कि इसको मैं अगर इस तरह भी लिखूँ तो हो सकता है, ये भी एक मेथड है और दूसरा भी इसका मेथड था। तो ये बी सेट है और ये ए है और ए में है ए बी और ए तो बी में है तो सी बी इधर रह गया। तो बाकी क्या है, ई डी एफ। अब एक किन के एलिमेंट से बी से डिफरेंस है, तो किसी भी एलिमेंट से डिफरेंस नहीं है तो आप किसी को बी शेडेड नहीं कह सकते। बस इतना द गिवन डायग्राम शो ए डिफरेंस बी, द गिवन डायग्राम शो ए डिफरेंस बी। अब हम करते हैं बी डिफरेंस ए, तो बी नो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी है ए बी सी डिफरेंस ए हमारे पास बराबर है ए बी। तो बी किन के एलिमेंट्स ए से डिफरेंस है, तो वो है सिर्फ सी। तो बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू सी। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम पे पॉइंट करते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे नो बाई वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आप क्या करें, रेक्टेंगल ड्रा करें। रेक्टेंगल आपने ड्रा किया और फिर आप इस तरह करें कि यू लिखिए इधर, और ये हमारे पास क्या है, कौन से सेट हैं, सबसेट हैं। तो डायग्राम तो सारों के लिए एक बनेगा, सिर्फ शेडेड में चेंज होगा, शेडेड एरिया में। तो इस तरह आप करेंगे ये ए और ये होगा बी, ये बी है और ये ए है, ए तो है ए बी और बी है सी डी ई एफ। अभी बी किंग एलिमेंट से डिफरेंस है सिर्फ सी वाले, ये सी की वजह से डिफरेंस है, तो आप सिर्फ इसको क्या करेंगे, शेडेड करेंगे और इधर लिखेंगे बी डिफरेंस ए। द शेडेड रीजन, द शेडेड एरिया, द शेडेड एरिया शो बी डिफरेंस ए। तो बाकी जो तीन चीज़ें हैं वो आप खुद करें और आसान है, बस सिर्फ इस तरह के ट्राई ज़्यादा करो और ये देखो वेन डायग्राम में कि कौन से सेट है, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। और अगर आपको इसके बारे में मतलब है कि डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेट के बारे में पता नहीं, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं।